स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आज हम करने वाले हैं साउंड चैप्टर सेवन का एक्सरसाइज सेवन भी शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी गिव वन एग्ज़ाम्पल तो पेज वन फिफ्टी फाइव पे दिया है सी अंडर द हेडिंग ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन दिया हुआ है कि पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एबसेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा कि वेन वी स्ट्राइक द कीज़ ऑफ अ पियानो पियानो कीज़ को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो वो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा फ्री वाइब्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है कि वॉट इज़ मेट बाई द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी नेम वन फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स तो देखो यहीं पे आंसर है सेम पेज 155 पे ही बॉडी one एट वन एंड एट वन पॉइंट slightly from स्लाइटली फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन vibrating और जो वाइब्रेशन सो प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी ओके डिपेंडेंसी देखो किस पे है डिपेंडेंसी है शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिसप्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ बॉडी एक्जीक्यूटिंग नेचुरल वाइब्रेशन और सेकेंड है कि वेयर कैन अ बॉडी एग्जीक्यूट नेचुरल वाइब्रेशन बोथ द एंसर्स वी आर गोइंग टू फाइंड ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन देखो नेचुरल वाइब्रेशन के लिए एंसर थर्ड में ये ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन अब सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या कंडीशन होना चाहिए कंडीशन यह है कि इसको प्रोड्यूस करना होगा कि इसमें कि द वाइब्रेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट एप्लीट्यूड कैन ऑकर ऑनली इन वैक्यूम यही कंडीशन है का मतलब हुआ कि कोई भी मीडियम वहाँ पे नहीं होनी चाहिए अब क्वेश्चन नंबर फोर है कि स्टेट वन कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट नेचुरल वाइब्रेशन तो अभी डिस्कस किया कि वैक्यूम होना चाहिए यानी कि नो मीडियम यानी कि कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट आंसर नंबर फाइव जो है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव के बोथ पार्ट बोथ पार्ट के लिए आंसर गिवन है तो हम यह डिस्कस करने वाले नहीं हैं नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑलरेडी आंसर गिवन है सेवेंथ भी एट्थ भी क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं कि वॉट एडजस्टमेंट वुड यू मेक फॉर ट्यूनिंग अ अस्ट्रेंड इंस्ट्रूमेंट फॉर इट टू एमिट अ नोट ऑफ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी कि डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी का अगर नोट निकालना है तो नोट चाहिए आपको तो किस तरीके का आप एडजस्टमेंट करोगे लुक एट द पेज नंबर 156 यहाँ देखो क्या है कि जो स्ट्रिंग है गिवन लेंथ का उसको मेड टू वाइब्रेट इन डिफरेंट मोड बाई प्लकिंग द स्ट्रिंग एट डिफरेंट पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे हम उसको प्लक करेंगे तो अलग अलग तरीके से नोट निकलेगा इफ द स्ट्रिंग इज़ प्लगड इन द मिडल स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है एक लूप में जैसा कि फिगर में यहाँ दिखाया हुआ है और देखो ये प्रिंसिपल नोट क्या लाता है ये नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर इफ द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड एट वन फोर्थ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड तो वाइब्रेट करता है दो लूप में और उसके बाद सिमिलरली इफ द स्ट्रिंग इज एट वन सिक्सथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड इट वाइब्रेट इन थ्री लूप्स जैसा कि यहाँ डाइग्राम में ग्राफ डाइग्राम में यहाँ पर शो किया हुआ है तो डिज़ायर्ड क्या करोगे आप अगर आपको डिज़ायरेबल नोट चाहिए तो डिज़ायरेबल नोट के लिए आप क्या करोगे आ, आप उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर क्या करोगे प्लग करोगे तो दिस विस वो, वॉज आंसर नंबर नाइंथ अब ये क्वेश्चन नंबर टेंथ है कि द डायग्राम इन फिगर सेवन पॉइंट वन टू शोज थ्री वेज अच्छा इसका भी आंसर ऑलरेडी गिवन है ओके okay. कोई नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का भी ऑलरेडी गिवन है ट्वेल्थ भी ऑलरेडी गिवन है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट्वेल्थ हाँ गिवन है थर्टीन देखते हैं कि हाउ डज़ द मीडियम अफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी तो देखो कैसे अफेक्ट करता है कि जो एम्प्लीट्यूड है नेचुरल वाइब्रेशन का डिक्रीज करता है इन अ मीडियम ओके मीडियम ड्यू टू फ्रिक्शन एम्पलीट्यूड जो होता है नेचुरल एम्पलीट्यूड जो होता है नेचुरल वाइब्रेशन का डिक्रीज करता है किसी भी मीडियम में किसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ है तो फिफ्टींथ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द डायग्राम इन फिगर सेवन पॉइंट वन थ्री शोज़ द डिसमेंट टाइमग्राफ ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी तो नेम द काइंड ऑफ वाइब्रेशन कि जैसा कि आप देख सकते हो कि आगे जाके एंड कर जा रहा है तो ये कैसा है डैम्बड वाइब्रेशन काफ़ है ये नेक्स्ट गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच वाइब्रेशन तो यहाँ पर है सिंपल पेंडुलम इन एयर इस टॉप्स वाइब्रेटिंग तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इस तरह के डैम्प वाइब्रेशन का नेक्स्ट है कि वाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग तो ये डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू एयर और एयर क्या कर रहा है फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है अपोज कर रहा है वॉट हैपन्स टू वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद क्या होगा वाइब्रेशन को तो वाइब्रेशन सीज कर जाएगी यानी स्टॉप हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आंसर इज ऑलरेडी गिवन सेवनटीन देखते हैं कि ड्रॉ स्केच शोइंग डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग डैम्ड वाइब्रेशन देखो अभी फिफ्टीन का जो डाइग्राम था वो किसका आंसर हो गया आंसर नंबर सेवेंटीन कि यही स्केच है डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ का जो ये शो करता है डैम्ड वाइब्रेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन पर तब मूव करते हैं कि वॉट आर फोस्ड वाइब्रेशन गिव वन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर आंसर ये आंसर दिया हुआ है वन हंड्रेड फिफ्टी एट पर देखो फोर्स्ट वाइब्रेशन होते क्या हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 158 पे अंडर द हेडिंग अंडर वाइब्रेशन कि वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होता है इन्फ्लुएंस में आ, मतलब किसी के प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस की वजह से ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स कोई एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है तो इस तरह के वाइब्रेशन को क्या कहेंगे फोस्ड वाइब्रेशन ओके इसका एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्ज़ाम्पल बगल में दिया हुआ है कि इन गिटार वेन एन आर्टिस्ट प्लेज ऑन इट्स स्ट्रिंग बाई हिज फिंगर द वाइब्रेशन इन देम कॉज वाइब्रेशन इन द एयर इनक्लोज इन इट्स हॉलो बॉक्स कि जो हॉलो बॉक्स प्रोवाइड रहते हैं उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और वो वाइब्रेशन किसे प्रोड्यूस होता है गिटार के जो स्ट्रिंग्स को हम छेड़ते हैं अपने फिंगर्स से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्योंकि नाइनटीन ऑलरेडी गिवन है तो ट्वेंटी देखते हैं कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन तो पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी एट सेम पेज पे ही आप देखो नीचे बॉक्स में दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन कि जो वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन एबसेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव और एक्सटर्नल फोर्स नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं ये वैक्यूम में ऑकर करता है जबकि फोर्स्ड वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स इसको क्या कहेंगे हम फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलेंगे और दूसरे अदर भी डिफरेंस दिए हुए हैं तो यू कैन कॉपी डाउन फ्रॉम हियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव आउट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की व्हाट इज मीन्ट बाय रेजोनेंस डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट द फनामिनन ऑफ रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन इट पेज नंबर 159 फिफ्टी नाइन पे इसका आंसर दिया हुआ है देखो रेजोनेंस होता क्या है अंडर द हेडिंग रेजोनेंस दिया हुआ है कि एक स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी के तो जो बॉडी होता है रेडीली बिगिन कर देता है वाइब्रेट करना एक इंक्रीज एम्पलीट्यूड के साथ तो ये फिनोमिन कहलाती है रेजोनेंस और जो वाइब्रेशन होता है ये लार्ज एम्पलीट्यूड का होता है और इसको कहते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशन अब इसको जो है कि एक डिस्क्राइब करना है सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ तो यहाँ पे दिया है फोर्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम तो चार पेंडुलम ले लेंगे ए बी सी डी और सस्पेंड कर देंगे फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट से उसको कह सकते हैं आप पीस ऑफ स्ट्रेच रबर स्ट्रिंग ले लेंगे और ए और बी जो है पेंडुलम सेम लेंथ के हैं तो उसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो होगा और ऑफ वाइब्रेशन वो भी सेम होगा डी जो होगा वो लॉन्गर होगा देन ए एंड बी और उसका इसलिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी लोअर होगा अब इसमें <laughs> देखते हैं कि करेंगे क्या हम कि पेंडुलम ए को सेट कर देंगे इन टू वाइब्रेशन बाई डिस्प्लेसिंग इट्स बॉब यहाँ डायग्राम दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि पेंडुलम ए को सेट कर देंगे इनटू वाइब्रेशन बाई डिस्प्लेसिंग इट्स बॉब टू वन साइड नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पी अब होगा क्या कि जो पेंडुलम बी है वो भी स्टार्ट कर देगा वाइब्रेट करना इनिशियली एक छोटे एम्पलीट्यूड के साथ और अल्टीमेटली एक्वायर करेगा सेम एम्पलीट्यूड जैसा कि पेंडुलम ए में इनिशियली शुरुआत में था जब ये एम्पलीट्यूड पेंडुलम बी पे मैक्सिमम हो जाएगा जब एम्पलीट्यूड पेंडुलम बी का मैक्सिमम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड ए का जो है कि वो मिनिमम हो जाएगा क्योंकि क्या होगा इनके बीच में शेयरिंग होगी एनर्जी की देयर आफ्टर एम्पलीट्यूड पेंडुलम बी का डिक्रीज़ करेगा और ए का इंक्रीज़ करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और जो वाइब्रेशन है पेंडुलम बी का आर इन फेज विद दोज ऑफ ए तो यानी कि ये रीच uh, कर जाएंगे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आइदर साइड साइमल्टेनियसली ओके बिल्कुल तो पेंडुलम सी और डी भी क्या हो जाएगा वो भी वाइब्रेट कर लेने लगेंगे ईच ऑफ़ देम वाइब्रेट विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड कि जो सी और डी हैं वो वाइब्रेट करेंगे स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ जब और जबकि ए और बी इसमें होगा क्या कि ए और बी जो है ना वो बी जो है कि नेचुरली जो है कि आ, आ, ये रेजोनेंस में आ जाएगा क्योंकि इस दोनों का लेंथ क्या है दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों जो है कि रेजोनेंस की कंडीशन प्रोड्यूस करेंगे बी जो है कि स्टेट ऑफ रेजोनेंस में आ जाएगा क्योंकि ए के इक्वल लेंथ में बी है और जबकि बात करें सी और डी की तो इन दोनों में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्ड वाइब्रेशन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया हुआ है कि स्टेट द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस टू ऑकर कौन सी कंडीशन है जिसमें कि रेजोनेंस होगा पेज नंबर 159 इन बॉक्स इट इज गिवन कि रोजोन रेजोनेंस ऑकर ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स कॉजेज फोर्स्ड वाइब्रेशन कि जब कोई फोर्स अप्लाई हो उसके ऊपर तो फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे बॉडी के अंदर एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स जो फ्रिक्वेंसी हो अप्लाइड फोर्स की एक्जैक्टली exactly इक्वल होनी चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी की तभी जो है रेजोनेंस होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन फोर्स एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन तो ये दिया हुआ है पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी वन पे इन बॉक्स ऑनली डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन आर गिवेन हेयर तो यू कैन कॉपी डाउन द आंसर फ्रॉम हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है रीड कर लें फिगर सेवन पॉइंट वन फोर शोज टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी माउंटेड ऑन टू सेपरेट साउंड बॉक्सेस विद देयर ओपन एंड्स फेसिंग ईच अदर एक दूसरे की तरफ ये फेस कर रहे हैं देखो अब क्या बोल रहा है फॉर्क ए इज सेट इन टू वाइब्रेशन ए को सेट कर दिया वाइब्रेशन पे डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन और स्टेट द प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट जब इसको वाइब्रेट कर देंगे तो होगा क्या आफ्टर फ्यू सेकेंड जो ट्यूनिंग फॉर्क बी है वो भी स्टार्ट कर देगा वाइब्रेट करना और साउंड जो होगा कैन बी हर्ड वो साउंड प्रोड्यूस होता है वो सुनाई देगा और ये भी जो है वाइब्रेट करने लगेगा ओके जबकि ये क्या था रेजोनेंस uh, में आ जाएगा ओके okay? uh, जबकि ये स्ट्रक नहीं किया गया है फिर भी एक इसमें आ जाएगा रेजोनेंस में तो कौन सा प्रिंसिपल इलस्ट्रेट हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से इस एक्सपेरिमेंट से रेजोनेंस प्रिंसिपल इलस्ट्रेट हो रहा है ओके okay? सर में यही लिख लोगे आप कि आफ्टर फ्यू सेकेंड ट्यूनिंग फॉर बी ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट कैन बी हर्ड इसका वाइब्रेशन कैन बी हर्ड साउंडिंग के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इन रेजोनेंस रेजोनेंस में साउंड रेजोनेंस uh, में आ जाएगा ये ऑल द इट वॉज नॉट स्ट्रक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अब इसमें देखो ट्वेंटी सेवन वाले में अब इसमें ए और डी का इक्वल दिया है लेंथ ध्यान से देखो ये सेम एक्सपेरिमेंट है और बी और सी का डिफरेंट लेंथ दिया हुआ है और, और वो भी ए और डी से भी डिफरेंट है अब इसमें पूछ क्या कह रहा है सेवन पॉइंट वन फाइव में कि ए बी सी एंड डी आर फोर पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम इलास्टिक स्ट्रिंग एक्स वाई द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ए एंड डी आर इक्वल वाइल द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बी इज शॉर्टर एंड ऑफ द पेंडुलम सी इज लॉन्गर पेंडुलम ए इज़ सेट इन टू वाइब्रेशन ए को सेट कर दिया वाइब्रेशन में पहला क्वेश्चन है कि वॉट इज ऑब्जर्वेशन अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम डी तो अब देखो ए को वाइब्रेट कर रहा है तो डी के लिए क्या होगा तो ए और डी इसमें क्या है इक्वल लेंथ के हैं तो डी क्या हो जाएगा कम्स इन स्टेट ऑफ रेजोनेंस एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है डी की इक्वल है हो जाएगी क्योंकि ए और डी का जो लेंथ है वो दोनों इक्वल है तो द पेंडुलम डी वाइब्रेट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए के साथ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर योर ऑब्जर्वेशन इन पार्ट ए तो रीज़न क्या है अभी बोला तो ए और डी वाले की वैल्यू वो जो लेंथ है ए और डी की दोनों की लेंथ सेम है तो इसीलिए जो है डी भी रेजोनेंस में आ जाएगा रेजोनेंस फॉलो करेगा नेक्स्ट है सी पार्ट की व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेक प्लेस इन पेंडुलम बी और सी बी और सी में किस टाइप का वाइब्रेशन होगा तो देखो दोनों की लेंथ डिफरेंट है तो बी और सी में फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा किस तरह का वाइब्रेशन होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत ही स्मॉल एम्पलीट्यूड का होगा लास्ट है कि गिव रीज़न फॉर योर आंसर इन पार्ट सी तो पार्ट सी के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा वो आंसर इसीलिए होगा क्योंकि वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है पेंडुलम ए में वो कम्युनिकेट हो रहा है बी से और बी से सी में थ्रू द इलास्टिक स्ट्रिंग ये इलास्टिक स्ट्रिंग है ना तो इसकी वजह से इन दोनों में ट्रांसफ़र हो रहा है तो लेकिन ये दोनों किस में आ रहे हैं अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशन इसलिए इन दोनों में फोर्स्ड वाइब्रेशन हुआ और किसकी वजह से हुआ इसके इलास्टिसिटी की वजह से हुआ एक्स वाई इलास्टिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑलरेडी एक्सप्लेन है क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं कि वेना ट्रूप क्रॉसेज अ सस्पेंसन ब्रिज द सोल्जर आर आस्क टू ब्रेक देयर स्टेप्स वाई तो यहाँ पे को इसका आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में ही यहाँ पे अंडर द हेडिंग रेजोनेंस ऑफ अ ब्रिज इन अ ब्रिज कि जब कोई ट्रूप क्रॉस करता है सस्पेंशन ब्रिज को तो सोल्जर को कहा जाता है कि अपने स्टेप्स ब्रेक कर लें रीजन ये है कि सोल्जर जब मार्च करते हैं स्टेप में तो हर एक सोल्जर एग्जल्ट करता है पीरियडिक फोर्स सेम फेज में और इसीलिए ब्रिज एग्जीक्यूट करता है फोर्स वाइब्रेशन और वो भी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर स्टेप उनके स्टेप के इक्वल तो अगर अब क्या होता है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेप बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज कि जो फ्रीक्वेंसी है स्टेप का वो अगर इक्वल हो गया ब्रिज के फ्रीक्वेंसी के साथ तो ब्रिज जो है वाइब्रेट करेगा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ रेजोनेंस की वजह से और कोलेप्स कर सकता है आंसर नंबर थर्टी वन देखते हैं कि वाई आर स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार प्रोवाइडेड विथ अ हॉलो साउंड बॉक्स तो इसको हॉलो साउंड बॉक्स के साथ क्यों प्रोवाइड किया जाता है तो इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी वन में कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बाय इट्सल्फ प्रोड्यूस करता है बहुत ही वीक साउंड जो कि हार्ड नहीं किया जा सकता डिस्टेंस से तो इसीलिए सारा म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है जैसे गिटार हुआ सोनो इसमें एक साउंड बॉक्स होता है जैसे जिसको हॉलो चैम्बर भी बोलते हैं जो बॉक्स जो बॉक्स कंस्ट्रक्ट होता है उसमें जो है कि कॉलम ऑफ एयर होता है एयर कॉलम होता है उसके अंदर और उसके अंदर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है एज देट ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड ऑन इट जो स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है ताकि इसलिए कि जब स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट कराएं तो एयर कॉलम उसके अंदर का फोस्ड वाइब्रेशन उसके ऊपर हो और फोस्ड वाइब्रेशन की वजह से जो एयर कॉलम है आ, वो क्या करे उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसके इक्वल है ना तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इज़ सेम एज़ दैट ऑफ स्ट्रिंग तो सिंस द साउंड ऑफ बॉक्स हैज़ अ लार्ज एरिया साउंड बॉक्स के पास लार्जर एरिया होता है तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू उसमें अंदर रहता है तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे ड्यू टू रेजोनेंस और फिर क्या है लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी है कि हाउ डू यू ट्यून योर रेडियो सेट टू अ पर्टिकुलर स्टेशन नेम द फिनमिनन इन्वॉल्व इन डूइंग सो एंड डिफाइन इट तो इसका भी आंसर है गिवन पेज नंबर वन सिक्सटी टू पे रेडियो रिसीवर के लिए कि जो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो होता है और टी वी रिसीवर वो बेस होता है रेजोनेंस पे तो रेडियो और टी वी रिसीवर में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रो मैगनेटिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जिनकी चेंज की जाती है उन बाई वायरिंग द वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या तो उसकी कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर से या फिर इंडक्टेंस ऑफ कॉल से जब हम चाहते हैं ट्यून करना रेडियो या टीवी रिसीवर को तो हमको बस एडजस्ट करनी होती है वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट ऑफ रेडियो वेव्स जो कि हम लोग रिसीव करना चाहते हैं जब बोथ फ्रिक्वेंसीज मैच करती हैं तो रेजोनेंस ऑकर होता है एंड ऑनली द एनर्जी ऑफ़ सिग्नल ऑफ़ दैट पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही रिसीव होती है वेव्स से जो स्पेस में है और बाकी सारी सिग्नल्स जो हैं छोड़ देता है जो कि उसके साथ मैच नहीं करती हैं तो द सिग्नल रिसिव्ड जो होती है जो सिग्नल रिसीव होती है फिर वो एम्पलीफाइड हो जाती है इन रिसिवर सेट एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों से छोटा है दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कि एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है उसको हेल्ड किया है ओवर एन एयर कॉलम ऑफ अ गिवन लेंथ व्हेन इट्स वन एंड क्लोज्ड एक एंड क्लोज्ड किया हुआ है तो प्रोड्यूस अ ऑडिबल साउंड नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ये आंसर भी आप देख सकते हो पेज नंबर वन पे बिल्कुल सिमिलर है इसके तो जब होगा क्या इसका ऑब्जर्वेशन देख लो कि जब ऐसा कुछ करेंगे गिवन लेंथ पे तो अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि परफॉर्म करते समय ट्यूब ए को ये जो ट्यूब है देख रहे हो आप इसको फिल्ड कर दिया है वाटर के साथ अप टू द टॉप और नीचे बंद है अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज़ प्लेस जस्ट अबव द माउथ माउथ पे जब ऐसे ही हम ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे तो होने क्या वाला है ऑब्जर्वेशन देखो एक लाउड साउंड हमको हेयर करने को मिलेगा एट सर्टेन लेवल ऑफ वाटर पे और ये किसको किसकी वजह से हो रहा है इट इज़ जस्ट ड्यू टू द रेजो नेंस डैट सॉल्व फॉर दिस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज सेवन सी की तो जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट और इवन तीन घंटे की मूवी में भी छोटा मोटा मिस्टेक तो हो ही जाता है दो ढाई घंटे की मूवी में इतना रिटेक के बाद भी तो मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना हो और फर्दर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करके और डिफाइन करके एलेबोरेट करके मैं आपको समझाऊँ और वीडियो पेश करूँ तो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल